मुझसे जितना दूर रहोगी ना, मैं उतना खुश रहूंगी। मेरे और अफ़्तान के दरमियान जो कुछ भी था ना शान, उस छोटी सी गलत फहमी को तुमने राय का पहाड़ बना लिया। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ, मुझे सुकून में जीने दो। रंशा, क्या बात है भाई, तुम इस पे गुस्सा क्यों कर रहे हो इतना? ये बात अपने बेटे से पूछना चाची। इसे याद रखना चाहिए कि ये रमशा का कजन तो है ही, साहब का शौहर भी है। कैसे चला गया ये अफनान से मिलने के लिए? पता है, रमशा बेचारी ना बहुत परेशान थी, रो रही थी। और ये अफनान तो हमें कुछ नहीं बताने वाला है। जाहिर सी बात है, वो हमें क्यों बताएगा? उसे पता है अगर उसने कुछ कहा ना तो उल्टी हम उसको ही बातें सुनाएंगे। मामा, आप रमशा को कॉल करें, उससे पूछें, कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ेगा ना। बल्कि वो उसके चाचू की तबीयत खराब थी ना, आप उनकी खैरियत पूछें और फिर आगे बात करने की कोशिश करें।